विक्रमादित्य सिंह जी का जो परिवार है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राजघराना रहा है। उनके पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री रहे, जिसमें इस्पात मंत्रालय रहा, पर्यटन और सिविल एविएशन रहा, उद्योग विभाग रहा, इन सब के वो मंत्री भी रहे। फिर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी 3 बार हमारी सांसद रही, और यदि हम कुल मिला के कहें तो एक लंबा समय उनका यहाँ पर रहा। और आज विक्रमादित्य सिंह जी का एक स्टेटमेंट ये भी आया है कि मैं मंडी लोकसभा क्षेत्र को एक आदर्श लोकसभा क्षेत्र बनाऊंगा। तो मैं कहूंगा कि लगभग 7-8 बार आपका परिवार यानी केंद्र में मंत्री भी रहे और सांसद भी रहे, 6 बार मुख्यमंत्री रहे, तो ऐसे सारे समय में मंडी लोकसभा को आप आदर्श क्यों नहीं बना पाए। और मैं ये भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये विक्रमादित्य सिंह जी, इनका विजन अगर देखना है तो वो शिमला ग्रामीण में जा करके देखना चाहिए। वहाँ के 5 बार विधायक, 5 साल तक विधायक रहे, लगभग 1.25 वर्ष तक ये लोक निर्माण मंत्री रहे, वहाँ पर ये कुछ नहीं कर पाए। आज भी अगर देखा जाए तो जो जहाँ के रहने वाले रामपुर और रोहड़ू, उन जगहों पर अभी तक भी 42 सीटर बस नहीं जाती है। रोहड़ू में डोडरा क्वार है और उसमें चांसल बीच में पड़ता है। अभी तक के एडवेंचर टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स की दृष्टि से चांसल को भी ये डेवलप कर नहीं पाए हैं, जो इतने वर्षों तक जिनका परिवार वहाँ से मुख्यमंत्री के पद पर रहा। और रामपुर में जब भी जाते हैं तो यार इतना पिछड़ा क्षेत्र है कि कुछ नहीं कर पाए, केवल मात्र वोट बैंक की राजनीति करते रहे। आपका ये कहना है कि कंगना जी ने आपदा के समय क्या किया, क्या किसी की मदद को हाथ बढ़ाए, तो मैं कहूँगा कि कंगना जी तो अपने काम में लगी थी। उनका एक अलग क्षेत्र था जो फिल्म जगत का क्षेत्र रहा, लेकिन अरे आप तो हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े राजघराने के राजा हैं, जिनके पास अर्थ की दृष्टि से कोई कमी नहीं, क्या आपने कुछ अपने खजाने से भी किसी की मदद की, तो आप कुछ नहीं कर पाए। मैं कहूँगा आपदा के समय भी विक्रमादित्य सिंह जी आपने और आपकी माता वर्तमान सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने केवल मात्र राजनीति की है।